हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना क्यों हानिकारक होता है, क्यों इससे डेथ हो जाती है? क्योंकि जो सिगरेट स्मोक यानी सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स होता है सिगरेट का धुआं या कोई भी स्मोक यानी एयर पोल्यूशन। यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस गैस। ये मोस्ट पॉइजनस या जहरीली गैस होती है। ये इट इज़ मेन एयर पॉल्यूटेंट। ये एयर पॉल्यूटेंट सबसे ख़राब एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट होता है, कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि इट कम्बाइंस विथ हीमोग्लोबिन। ये तुरंत हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन से कॉम्पीट करता है कि कितनी जल्दी वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो सकेगा। इसकी जो एफिनिटी पावर यानी जो चिपकने की पावर होती है हीमोग्लोबिन से, वो 200 टाइम होती है ऑक्सीजन से, यानी कि 200 गुना ज़्यादा स्पीड से वो हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी करता है, चिपक जाता है। जब इंसान धुएं को या क्या किसी भी चीज़ को सांस लेता है तो उसका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, वो तो वो लेता ही है, परंतु साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेता है वहाँ जहाँ एयर पोल्यूशन है। हर जगह एयर पोल्यूशन है। जैसे ही वो इनहेल करता है, सांस लेता है, इट ही सफर्स फ्रॉम सफोकेशन। सफोकेशन होने लगता है उसको। सफोकेशन के कारण वो अनइजी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर हम ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो लार्ज अमाउंट बन जाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो उसके कारण जो कैरेक्टर्स आते हैं वो लेजीनेस है, थकान है, बॉडी एक है, हेडेक हमेशा रहता है और फाइनली डेथ हो जाती है। इसलिए स्मोक, जो सिगरेट का स्मोक होता है, वो बेहद ख़तरनाक होता है।